गाइज मैं वापस से आ गया हूँ। बोल्ड भाई इज बैक विद अनदर गेम प्ले ऑफ पोकेमॉन इन्फिनिट फ्यूजन। ठीक है, तो गाइज लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कैसे गाइज मेरे पास एक ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन आ गया था जो कि गाइज गिराथिना और जोरोवार का फ्यूजन फॉर्म है। ठीक है, एंड गाइज फिर मैंने और भी कुछ पोकेमॉन्स को पकड़े, बट गाइज मैं आपसे भाई को आज बहुत ही हार्ड चीजें दिखाने वाला हूँ। तो गाइज ये देखो मेरे पास अभी चार्जर्ड भी है। ठीक है, मेरे पास यार गैल्वन ग्रॉन है, ये गैल्वन ग्रॉन गाइज ये जो है गैल्वन टोला और गाइज एग ग्रॉन का फ्यूजन फॉर्म है। ठीक है, ये भी शक्तिशाली बन चुका है। एंड देन गाइज मेरे पास रोटोन था जो कि गाइज मैग्नेटोन और गाइज रोटोम का फ्यूजन फॉर्म है। एंड देन गाइज मेरे पास ये है गोलेट है गाइज, ये गाइज मैंने रिसेंटली पकड़ा था, कल रात को मैंने पकड़ा था जब खेला था गाइज। ये गाइज आप सभी भाई को तो पता है एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन था ना, उसका नाम क्या था यार, जीओ करके ही था उसका नाम। एंड बाकी गैलेट और उस घोस्ट वाले पोकेमॉन का फ्यूजन फॉर्म है। एंड आई विल शो यू वन सेकेंड गाइज, मेरे पास मार्क्रो भी है एंड मेरे पास चार्जर्ड है। एंड हाँ ये है मेरा गेरा रोअर। ठीक है, ये देखो गैस, अरे किसको दिखा दिया ब्रो, ये देख सकते हो गैस। अरे यार ये देखो लेवल 26 का है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड गाइज आज मेरे पास बहुत ही ओपी चीज़ें होने वाला है। आज जो मैं पहला चीज़ करने वाला हूँ, ओह ये चीज़ देखो गैस, मेरे पास अभी मास्टर बॉल भी आ गया 31, रियर कैंडी 201 है गाइज, एंड DNS स्प्लाइसर। आज गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, पहले गाइज एक चीज़ दिखेंगे, अगर मैं इन दोनों को रिवर्स करा दूंगा तो रिवर्स फॉर्म में ये लोग कैसे दिखेंगे। ठीक है, मतलब फ्यूजन्स दो प्रकार के होते हैं। ओए ये तो काफ़ी बेकार लग रहा है ब्रो, ज्योतिना काफ़ी बेकार लग रहा है ब्रो, सीरियसली काफ़ी बेकार लग रहा है यार। अरे यार एक मिनट एक काम करते हैं, नाइट स्लैश व्हाइट स्लैश सीखना चाहता है ब्रो, नाइट स्लैश इज़ अ गुड मूव, बट फिलहाल के लिए मुझे बैक करना पड़ेगा इन सारे के सारे मूव्सों को। यस यस यस, आप गाइस मैं ना ये DNS स्प्लाइसर यूज़ करके इन दोनों का पहले तो यार फ्यूज़न हटाऊंगा। अनफ्यूज, यस गाइस अनफ्यूज हो चुके हैं। एंड नाउ गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मैं गिराथिना और गाइस चार्जर्ड को फ्यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इन दोनों को फ्यूज़ करके देखूंगा, अब मज़ा आने वाला है। चलो गाइस इसको और इसको फ्यूज़ करते हैं, और गाइस इन दोनों का फ्यूजन फॉर्म तो काफ़ी खतरनाक निकलेगा। मेरे पास DNA रिवर्सर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग दोनों फ्यूजन फॉर्म को देख पाएंगे। पहले आई थिंक गाइस दिस वन इज लुकिंग गुड, तो देखते हैं गाइस गिराथिना और गाइस चार्जर्ड को फ्यूज़ करने वाले हैं ब्रो। आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि कैसा पोकेमॉन निकलने वाला है। अच्छा लग रहा है पर गाइस ये मुंह का जो पार्ट है ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, चार्जर्डिना। हाँ मुंह का पार्ट मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, ये DNA रिवर्सर यूज करना पड़ेगा इन दोनों के ऊपर। अब देखते हैं गाइस, ये पहला फॉर्म तो यार अच्छा नहीं लगा मेरे को, मुंह का पार्ट स्पेशली। ये अच्छा ही लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। गिराइजर्ड चार्जर्ड जैसे होता है, ये गिराइजर्ड है। चलो गैस ये मूव रख देते हैं। ठीक है, एंशियंट पावर को हटा करके गैस विंग अटैक को रख दिया हूँ मैंने, पर ये गिराइजर्ड भी, मैं एक काम करूँ गैस इन दोनों का फ्यूजन हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों का फ्यूजन ही हटा देता हूँ गैस। एंड चार्जर्ड के पास एक मिनट और एक चीज़ देखना पड़ेगा, चार्जर्ड के पास ये ब्लास्ट बर्न जो अटैक थे वो कि है कि नहीं, ये देख रहे हो गैस हट गए यार, इसके पास ब्लास्ट बर्न सब अटैक थे यार। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लूँगा यहाँ पे थोड़े बहुत पोकेमॉन देखता हूँ गैस। ये क्या है गैस, एक मिनट, ये तो ये मोलरियन, ऐसा क्यों लग रहा है कि गैस ये मोल्ट्रेस और गैस फ्लेरियन का फ्यूजन फॉर्म है। मास्टर बॉल फेंकते हैं, पकड़ लेते हैं। चलो गैस तब मुझे मालूम पड़ेगा कि ये किसका फ्यूजन है। एक दो तीन आ गया गैस, मोलियन आ चुका है गैस। आप देखते हैं गैस ये मोलियन आखिर क्या चीज़ है। नो एक मिनट गैस, मुझे ना पोकेमॉन सेंटर भी जाना पड़ेगा। लेट्स गो। ओके हम लोग आ गए पोकेमॉन सेंटर। आप पहले तो गैस पोकेमॉन्स को हिलाप कर लेते हैं। ओके थैंक यू सो मच नर्जो मेरे पोकेमॉन को हिलाप करने के लिए। एंड चलो गैस अब यहाँ पे जाते हैं एंड देन पोकेमॉन स्टोरेज पे जाना पड़ेगा। आप गैस विदड्रॉ, हाँ ऑर्गेनाइज स्लैश फ्यूज ये चीज़ करना पड़ेगा। ये मोलियन, अच्छा गैस ये गिरारोअर और एक मेरे पास है क्या गिरारोअर, पर ये कैसे आ गया पता नहीं गैस ये कैसे आ गया। बट ये देखो गैस मेरे पास इन्फर्मेंडर भी है गैस, ये चार्मेंडर और इन्फर्निप का फ्यूजन फॉर्म है गैस। अगर मैं गैलेड और गैस इन दोनों को फ्यूज करा दूंगा तब तो यार बहुत ही ओपी कॉम्बिनेशन निकलेगा ना। बट पहले ये देखते हैं, ये अनफ्यूज करते हैं। अनफ्यूज, यस कमॉन अनफ्यूज। हाँ मुझे लगा था गैस, ये देख रहे हो मोल्ट्रेस। ठीक है अब गैस ये भी करते हैं, इन दोनों को भी अनफ्यूज करते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक गोलेट है। तो एक मिनट क्या करा मैंने यार, पर
रुक जा यार, अनफ्यूज करते हैं। डन गाइस, अनफ्यूजिंग इज डन। आप गाइस अनफ्यूजिंग हुआ कि नहीं? ओके, अनफ्यूज हो चुका है गाइस। इस वाले पोकेमॉन के बारे में मैं बोल रहा था गाइस, गोलेट, ठीक है। बट इसका जो गाइस फाइनल इवोल्यूशन फॉर्म है गोलेट का, वो तो काफ़ी खतरनाक है। तो गेलेट, एक मिनट गाइस, इसको भी अनफ्यूज करते। अगर गाइस मैं गेलेट और गाइस इन्फर्निप का फ्यूजन कर दूंगा तो गाइस कैसा फ्यूजन फॉर्म निकलेगा यार। ऑलराइट गाइस, ये देख सकते हो, आप सभी भाइयों को पता है कि इन्फर्निप इज अ वेरी स्ट्रांग पोकेमॉन। आप गाइस मैं अगर इन दोनों को ही फ्यूज कर दूंगा तो, एक मिनट, इसके साथ फ्यूजन करना है, फ्यूज। यस गाइज, ये देख रहे हो कौन सा वाला बनाऊं गाइज। आई थिंक ये लेवल 8 साइकिक फाइटिंग टाइप, फायर फाइट और साइकिक फाइट। आई थिंक गाइज साइकिक फाइट वाला ज्यादा अच्छा दिखेगा। आई डोंट नो गाइज, रिवर्स करके भी देखेंगे, ठीक है। वाओ गाइज, ये क्या निकल गया ब्रो, ये तो काफी ओपी है। ब्लेस स्टैट फास्ट रेज स्पीड ईच टाइम पोकेमॉन फ्लिंचेस, अच्छा। एंड हार्डी डिफेंस और स्पेशल अटैक बढ़ेगा, यही रखते हैं। कॉम्बाइन मूव सेट करेंगे फॉर श्योर गाइस। साइकिक या टॉन के जगह मैं कंफ्यूजन को रखना चाहूंगा। इन दोनों को रिवर्स करके भी देखना चाहूंगा एक बार, रिवर्स फॉर्म कैसा दिखेगा वो भी तो यार नेसेसरी है ना देखना। एंड नाउ नो नो गाइस, वो जो यार पहला वाला था वो काफी बढ़िया था और मस्त था गाइस, ठीक है। तो गाइस अब इसको मुझे पार्टी में रखना पड़ेगा। तो विदड्रॉ, पार्टी इज फुल, ठीक है, पार्टी से हटाना पड़ेगा। एक मिनट, डिपॉजिट पोकेमॉन करते हैं। अब मार्क्रो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलो गाइज, ये गिरातिना है ना, गिरातिना को फ्यूज करेंगे किसके साथ गाइज, मोल्ट्रेस के साथ। ब्रो मोल्ट्रेस और गिरातिना का तो फॉर्म तो जबरदस्त निकलेगा, एक घोस्ट फायर और गाइज एक फायर ड्रैगन। बट ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे शो हो रहा है, आई थिंक दिस विल बी ए बेटर ऑप्शन। चलो देखते हैं गाइज क्या होता है, रिवर्स करके भी देखें। ओ मैन गाइज, दिस इज लुकिंग सुपर ब्रो। इसको बोलते हैं ब्रो फ्यूजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन ब्रो। वाओ कंबाइन मूव सेट, हाँ ओमनियस विंड तो डेफिनेटली स्कैरी फेस कर देगा, मैं ओमनियस विंड को रखना चाहूंगा। एंशियन पावर नहीं। एंड हाँ, रिवर्स करके भी एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि रिवर्स फॉर्म भी तो देखना पड़ेगा ना। देखते हैं कमान। एंड नो, दिस इज लुकिंग वेरी बेकार यार, वियर्ड दिखाई दे रहा है ब्रो, एकदम वियर्ड दिखाई दे रहा है यार। बट हाँ, फायर स्पिन सिखा देता हूँ, ठीक है। अब गाइस फिर से रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अरे गाइस यार, जो ग्रीन कलर के फ्यूजन्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, मतलब। अच्छा ठीक है, तो इसको भी अपने टीम में लेना पड़ेगा ब्रो। एक मिनट, नो। एंड चलो फटाक से विदड्रॉ, नो, हाँ विदड्रॉ ही करना पड़ेगा ब्रो, इसको विदड्रॉ कर लेते हैं। विदड्रॉ, यस डन। अब गाइस मैं आराम से इधर से जा पाऊँगा, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अब मुझे यार दूसरा मिशन क्या करना पड़ेगा वो भी तो एक बात है। मैं वेरिडियन सिटी में हूँ ना, मैं कौन से सिटी में था गाइस, ये वेरिडियन रूट 2 से, अच्छा प्यूटर सिटी गाइस। ये तो यार मतलब यहाँ पे कोई जिम बदल है ही नहीं। एक मिनट, वेलकम टू प्यूटर सिटीज होटल, जा। अच्छा मैं ऐसे सो भी पाऊँगा होटल लेकर के, अच्छा ये मेरा होटल रूम है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे हम लोग शायद से कुछ मिशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो तीन यहाँ पे इंसान है, तो अगर मैं इनसे बात करूंगा, हाय आर यू अ पोकेमॉन ट्रेनर, यस आई एम अ पोकेमॉन ट्रेनर, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट, आई विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न टू मेक इट योर वर्क, यस क्या, टू मेक माय स्ट्यू आई नीड 3 टाइनी मशरूम्स, आई एम काउंटिंग ऑन यू, अच्छा ठीक है। हाँ तो गाइस ऐसे करके हम लोग यार मिशंस ले पाएंगे, ठीक है, तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जब मिशन हो जाएगा था इस साइंटिस्ट के पास आकर के, यू मस्ट बी न्यू हियर, इन मेनी सिटीज यू विल फाइंड होटल जस्ट लाइक दिस वन, लोकल रेसिडेंट्स गेदर हियर when they seek the help of traveling Pokemon trainer such as yourself. People usually hand out great rewards to train. हाँ ये यही चीज़ बोल रहा है कि अगर तुम ऐसे यार होटल्स में जाओगे तो ऐसे लोकल पीपल आएंगे और फिर तुमसे हेल्प मांगेंगे। जनरली मतलब पोकेमॉन ट्रेनर से हेल्प मांगते हैं क्योंकि हम लोग तो ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो उन लोगों को हमसे हेल्प चाहिए। ओके, एज फॉर मी आई विल ऑल्सो गिव यू रिवॉर्ड्स फॉर हेल्पिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, अच्छा ठीक है कर लेंगे ब्रो। क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये आदमी भी हमें कुछ चीज़ देने वाला है, रिवार्ड देने वाला है। मैं फिर से क्यों घुस गया ब्रो। ऑल राइट गाइज, नाउ वेयर आई हैव टू गो गाइज, मुझे इधर ही कुछ करना पड़ेगा, बट क्या करना पड़ेगा गाइज। एक बार गेम को फटाक से सेव कर लेता हूँ, कभी कभार प्रोग्रेस यार उड़ जाता है, ठीक है। एंड मुझे अपने प्रोग्रेस को उड़ाना नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे पता है गाइज, दिस इज़ ए पोकेमॉन म्यूजियम, हाँ ये फॉसिल म्यूजियम है। एंड गाइज मैं आप सभी भाई को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक मिनट ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो गाइज, ये ना म्यूटो और एरोडैक्टाइल का फ्यूजन फॉर्म है, देख रहे हो, ड्यू टू देयर इंटरनल
structure the DNA of rock-type Pokemon remains completely preserved even after millions of years of fossilization. Because of this, this Pokemon can be genetically cloned into living creatures, a feat that would be impossible to achieve with prehistoric Pokemon of other types. ये देख रहे हो काफी बढ़िया है. And guys, यहाँ पे तो एक scientist भी है. Hello, young trainer. I will teach you. No. अरे नहीं, अच्छा, which fossils can be revived into the Kabuto? अच्छा, Kabuto को मुझे पता है, guys, Doom fossil. Correct, yes. What is the only fossil Pokemon that cannot evolve? Bro, Kangaskhan कहाँ पे evolve होता है, bro? Kangaskhan evolve होता है? नहीं. Aerodactyl, पहली बात, guys, Aerodactyl is a fossil Pokemon. Omnite is also a fossil Pokemon. Kangaskhan के बारे में मुझे पता नहीं. Kangaskhan is not a fossil Pokemon, guys. यहाँ पे only fossil, हाँ, ठीक है. Which of these Pokemon can be regenerated from the skull fossil? Bro, skull fossil? Carnidos. Direct, bro. As promised, I will teach the move Mud Slap. Achha, kisko sikhana chahiye, guys? Mud Slap? Self nahi, Mud Slap. I think, guys, Galnep ko hi sikha deta hu. Dekhte hain, guys, iske paas. Okay. Scratch kya jaga, guys, I think Mud Slap will be a better option. Thank you so much, mujhe ye move sikhane ke liye. अब गाइस इधर से निकलते हैं. आज यार थोड़े बहुत पोकेमॉन बैटल भी करना पड़ेगा. एंड वेट अ मिनट, मुझे एक्चुअली मैं जाना किस तरफ है ब्रो, समझ में नहीं आ रहा है ना ब्रो. यानी ओके, यहाँ पे एक आई थिंक, व्हाट इज दिस, दिस इज जिम प्योर. ओ, ये तो वाटर टाइप जिम है ब्रो. तो यहाँ पे शायद से मुझे बैटल करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली. हाँ, इनके साथ अभी बैटल करना पड़ेगा. ठीक है, आ जाइए. ये कौन सा पोकेमॉन है? स्क्विटॉम. एक मिनट. स्क्विटल और वो जो मंकी पोकेमॉन है एपॉम, हाँ, उसका फ्यूजन फॉर्म है. एंड यार अपने चार्जर के पास काफ़ी बेकार मूव्स है यार. स्क्रैच मार के उसको उड़ाना पड़ेगा. शेद यार, चार्जर तेरे पास इतना बेकार मूव क्यों है यार? एक्चुअली मैं इसके पास अच्छा मूव था यार, उस फ्यूजन में उसका मूव्स ही चला गया यार. एंड मैं अपने चार्जर को यार नंबर वन स्पॉट पे क्यों रखा हुआ हूँ यार? पोकेमॉन में जाते हैं. एंड देन गाइस, गेलनेप को आज तो यार डेफिनेटली गेलनेप को यार सामने भेजूंगा. Alright, done. अब चलो इसके साथ बैटल करना. स्टॉप, यू आर लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम ब्रॉक. ओ गाइज, ब्रॉक भी तो यहाँ पे गाइज फ्यूजन वाले पोकेमॉन से यूज करने वाले हैं ना, तो मजा आने वाला है. व्हाट, मडियन गाइज या फ्लेरियन? और गाइज मडकिप का गाइज फ्यूजन फॉर्म है. मैं इन लोग के ऊपर मड स्लैप मारूंगा. मड स्लैप से कुछ खास तो होगा नहीं ब्रो. अब क्लोज कॉम्बैट मारते हैं. चलो अब तो खत्म. ओह, अभी भी खत्म नहीं हुआ है ब्रो. चलो कन्फ्यूजन यूज करें. अब तो खत्म ब्रो. डन, लेवल 9 का हो चुका है. ए, टॉन्ट नहीं सिखाना है ब्रो. गिव अप ऑन लर्निंग, यस. टेलीपोर्ट नहीं सिखाना चाहेंगे, यस. लेवल 10 का हो चुका है. डन, यस, स्विच करते हैं. एंड गाइस इसको भेजते हैं. चलो गाइस, ईपीटी स्लोगार. गाइस ये स्लोपोक और गेंगार का फ्यूजन फॉर्म है. एंड मैंने इतना बढ़िया फ्यूजन फॉर्म सीरियसली देखा ही नहीं यार. ये गाइस स्पाइडर वेब, इट विल नॉट इफेक्ट हिम. मच स्लैप तो इफेक्ट करेगा ना ब्रो. ये ले फिर से ले गाइस. इसको इतना भी कुछ खास नहीं हो रहा है ब्रो. मत स्लैप. अब गाइस ये जो है स्लो ब्रो और गाइस गेंगार का फ्यूजन फॉर्म, मैंने उन लोगों को हरा दिया. अब गाइस चलो ब्रॉक के साथ पंगा करते हैं. आई बिलीव इन वाटर हार्ट डिफेंस. व्हाट, आई बिलीव इन वाटर हार्ट डिफेंस एंड डिटर्मिनेशन, दैट्स व्हाई माय पोकेमॉन आर ऑल द वाटर टाइप. ब्रॉक सठिया गाइस, सीरियसली गाइस, ये ना इन्फिनिट फ्यूजन में इतना रेंडमाइज हो गया कि इनफैक्ट गाइस जिम ट्रेनर्स भी बदल गए हैं गाइस. अब मैं शायद सिर्फ दो ही पोकेमॉन को लेकर के जा पाऊंगा. तो हाँ, इसको लेके जाते हैं और गिराथिना को लेके जाते हैं गाइस. और किसको लेके जा पाएंगे? इसको ही लेके जाते हैं. और नॉट मोर देन टू पोकेमॉन. ठीक है, तुमने दो पोकेमॉन को ले लिया. पता नहीं गाइस ये ब्रॉक कैसे कैसे पोकेमॉन्स को यूज़ करने वाले हैं. देखते हैं गाइस. ब्रॉक तो डेफिनेटली वाटर टाइप पोकेमॉन यूज़ कर. व्हाट, मिस लॉर्ड गाइस? ये ना वेल लॉर्ड और गाइस एक मिस मैगियस करके, मिस मैगियस नहीं था, मैं कंप्लीट नाम तो भूल चुका हूँ, बट था एक पोकेमॉन जो कि यार काफ़ी मतलब स्वैग में रहता है वो पोकेमॉन. ठीक है, मसलैब यूज़ करा, हरा दूंगा यार. मसलैब यूज़ करके मिस लॉर्ड को हरा दूंगा. लेकिन काफ़ी अजीब दिखाई दे रहा है वो. गिराते ना कोई भेजते हैं. चलो गाइस, आ जा गिराते ना. ये क्या है? मटट्रेस गाइस, ये मोलट्रेस और मटकीप का इवोल्यूशन फॉर्म है. मैं यार ओमनियस विन यूज़ करूँगा. मच स्लैप यूज़ करें मेरे ऊपर, फिर से ओमनियस विन यूज़ करूँगा. एंड गाइस मटट्रेस को हरा दिया. एंड इसी के साथ गाइस हम लोग तो जीत ही चुके हैं. एज प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री, हियर इज द बोल्डर बैच. थैंक यू सो मच बोल्डर बैच देने के लिए यार.
ऑल राइट लेट्स डू इट गो टू द सेरुलियन सिटी। आप गाइस इसने तो वाटर टाइप पोकेमॉन्स को यूज कर लिया, मतलब मिस्टी या शायद से रॉक टाइप या फिर फायर टाइप यूज करेगा। अगर मिस्टी ना बग टाइप यूज कर लेगा ना तो यार मैं सलाम ठोक दूंगा ब्रो, क्योंकि मिस्टी ना सीरियसली बग टाइप पोकेमॉन से काफी डर्टी है। एंड हाँ सेव कर लेते यार, वेट लेट्स डू द सेव थिंग। जिम बैच तो एक मिल चुका है। आप गाइस मैं फिर से ये फ्यूज अनफ्यूजन वाला यार खेल खेलने वाला हूँ। लेट्स गो टू दिस पोकेमॉन स्टोरेज। यस तो अगर मैं जोआर्क और फ्लेडियन को नहीं नहीं इसको पहले अनफ्यूज करता हूँ गाइस, ये गोलेट को। चलो अनफ्यूज हो। यस आप अगर माय गैलेट को नॉट गैलेट प्लेस कर, हाँ गैलेट ही करते हैं। चलो गैलेट को अगर जोआर के साथ फ्यूजन करा दूंगा तो गैस इसका ना दो ही ग्रीन ग्रीन कलर का है, मतलब गैस दोनों ही काफ़ी कमाल के होने वाले। बट ये साइकिक डार्क वाला आई थिंक विल बी बेटर ऑप्शन, देखते हैं। व्हाट ऑन अर्थ इज दिस गाइस, ये क्या बन गया ब्रो? वाओ गाइस, इसलिए यार पोकेमॉन इन्फिनिट फ्यूजन खेलने में मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है, सीरियसली मैन। कन्फ्यूजन नो, कन्फ्यूजन सिखाना चाहेंगे ब्रो, लियर के जगह मैं कन्फ्यूजन को ही रखना चाहूँगा। डबल टीम या आई डोंट वांट टू टीच बबल डबल टीम। तो गाइस हाँ चलो गाइस पोकेमॉन अनफ्यूजन फ्यूजन तो बहुत हो गया, बट गाइस मेरे टीम में भी यार गिरातना काफ़ी अकेला पड़ गया है। डैट मीन्स गाइस मुझे अपने गिराटिना को फ्यूजन करना पड़ेगा। गिराटिना को अगर रोटोम के साथ फ्यूजन नहीं गिराटिना को ना चारिजार्ड के साथ ही फ्यूजन करेंगे। चारिजार्ड और गिराटिना को फ्यूज कर देते हैं गाइस। ये गैराइजर्ड अच्छा दिख रहा है ब्रो, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ब्रेव कंबाइंड मूव सेट, ये ब्रो स्कैरी फेस नहीं सिखाना यार और कुछ। ओमनियस विन डेफिनेटली आई एम गोना टीच हिम ओमनियस विन यार। यस एंशियंट पावर सिखा देते हैं ब्रो, ग्रोल के जगह एटलीस्ट एंशियंट पावर विल बी बेटर ऑप्शन। यस डन गाइस, पोकेमॉन को यार फ्यूजन अनफ्यूजन मैंने बहुत करा। अब चलो गाइस पोकेमॉन्स को ढूंढ करके जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रूट है क्या जहाँ पे मैं बोले मुझे वैसे जाना किस तरफ है? इस तरफ जाना है। ओह बोल्ड अब क्या हो गया? इट्स मी प्रोफेसर ओक असिस्टेंट, आई वॉज डूइंग सम फील्ड वर्क अराउंड हियर एंड आई केम अक्रॉस समथिंग इनक्रेडिबल, यू हैव रियली गॉट टू सी दिस। क्या चीज़? इट सीम्स लाइक देयर्स एन आउटब्रेक ऑफ वाइल्ड पोकेमॉन विद हिडन एबिलिटीज ऑन दिस रूट। आई सॉ वन ऑफ देम इन दिस वेरी पैच ऑफ ग्रास, यू विल बी एबल टू टेल एट द स्टार्ट ऑफ बैटल इफ ए पोकेमॉन हैज इट्स हिडन एबिलिटी। दिस इज वेरी रेयर इवेंट, वी आर लक्की टू बी विटनेसिंग इट सो क्लोज टू होम, बट आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू लास्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम ईदर, सो यू शुड ट्राई टू कैच वन ऑफ दिस रेयर पोकेमॉन व्हाइल यू स्टिल हैव द चांस। ओके ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक कोई रेयर पोकेमॉन है, उसको पकड़ने के बारे में बोल रही थी ये। चलो देखते हैं कौन सा रेयर पोकेमॉन यार। What is this? ये तो गेंगार है ब्रो। अगर इसने मच स्लैप को सर्वाइव कर ले तो पकड़ लेंगे। सर्वाइव तो कर लिया ब्रो, तो पकड़ना पड़ेगा गेंगार को। वैसे गाइस मुझे गेंगार को पकड़ना चाहिए, ठीक है। एक बार पोकेबॉल फेंक के देखते हैं आएगा कि नहीं। एक दो तीन, ए नहीं आया। और एक बार फेंकते हैं, एक दो, अरे चल गेंगार इफ यू कैन सर्वाइव माई एम्बर आई विल कैच यू। ओके इफ यू कैन व्हाट गाइस, ओके एम्बर भी सर्वाइव कर लें क्योंकि गाइस इसके अंदर यार सीड्रा है या फिर किंगड्रा हो सकता है, मे बी किंगड्रा हो सकता है गाइस। ऑलराइट बैक पोकेबॉल फेंकते हैं। वन ओ शिट, ओके वन, अरे ब्रो इसको और ज़्यादा डैमेज देना पड़ेगा। ओके क्लोज कॉम्बैट मारते हैं चलो। अच्छा क्लोज कॉम्बैट तो इसके ऊपर काम ही नहीं आएगा, कन्फ्यूजन ब्रो कन्फ्यूजन भी मारने पर। ओके अब तो गाइस मैं इसको डेफिनेटली कैच कर पाऊंगा। एंड गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है अपने बोल भाई के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। मास्टर बॉल ही फेंक देते हैं यार, पोकेबॉल तो खत्म ही हो गया। अगर मास्टर बॉल ही फेंकना था तो तभी मैं फेंक सकता था ना। एंड यार मैं गेंगार के साथ कुछ ना कुछ कमाल करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ कमाल करने वाला हूँ। एंड आप लोग भी मुझे डेफिनेटली गाइस सजेस्ट कर सकते हो कि गाइस मुझे कौन से वाले पोकेमॉन को किसके साथ फ्यूजन करना चाहिए। बट अभी जो मेरे टीम में है वही आप लोग बोलो, मतलब ऐसा मत बोलो कि बोल भाई आप यार डियालगा और पालकिया को फ्यूजन कर दो, क्योंकि मेरे पास ना ही डियालगा है ना ही पालकिया है यार, कैसे फ्यूजन करेंगे ब्रो? जो मेरे पास पोकेमॉन्स है उनके साथ ही मैं फ्यूजन करा पाऊंगा ना ब्रो। ओके नो और देखते हैं गाइस, कोई लेजेंडरी पोकेमॉन दिखा दे।
वाह एक्सेसिस। चलो और एक बार दिखते हैं, देखते हैं। नो यहाँ पे एक ही टाइप के पोकेमॉन्स निकलने वाले हैं। ओके डन। ओके चलो गाइस यहाँ पे फाइट करते हैं। एंड गाइस एक बहुत ही कमाल का रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज ना मेरे वाइफ का बर्थडे है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग हैप्पी बर्थडे रोजी करके प्लीज़ कमेंट कर देना, हैप्पी बर्थडे तेजा या फिर हैप्पी बर्थडे रोजी डी करके आप लोग कमेंट कर देना। आप लोगों का एक एक कमेंट उनके लिए ब्लेसिंग जैसा होगा, ठीक है? तो प्लीज़ कर देना। एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड चलो गाइस अब इन दोनों के साथ बैटल कर दें, एक साथ या दोनों के साथ बैटल करना पड़ेगा। रू जोन, एक मिनट, मुझे अभी काफ़ी गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये जो रियूजोन है गाइस ये रेकवाजा के साथ फ्यूजन, नहीं 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 ये मैग्नेजोन, और नहीं 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 गाइस रेकवाजा नहीं, एक वो जो जेली जैसा पोकेमॉन है उसके साथ फ्यूजन हुआ है ये। एंड हिटमोननेप, वाओ गाइस ये हिटमोनली और इन प्राइमेप का फ्यूजन फॉर्म है, बट दोनों को हराएंगे ब्रो। पहले तो कन्फ्यूजन मारेंगे यस इसके ऊपर, एंड देन गाइस मैं थंडर शॉक मारूंगा इसके ऊपर ही ब्रो। ए यार उड़ा ही दिया यार, एक मिनट अब गैराइजर्ड को लेते हैं टीम में। कन्फ्यूजन मारते इसके ऊपर एंड तू मारेगा ओमनियस विन इसके ऊपर, यस बहुत बढ़िया। कन्फ्यूजन से हिटमोननेप तो ख़त्म हो चुका है, अब गैस मैग्नेट बॉम्ब मार रहा था ये। चल ख़त्म करते हैं, ओमनियस विन से मैंने गैस रियूजोन को आराम से हरा दिया, बहुत बढ़िया लग गया ब्रो, बहुत बढ़िया लग गया। ठीक है तो गाइस आज का एपिसोड मैं इधर ही समाप्त करना चाहूँगा, मिलते हैं गाइस शाम को और एक एपिसोड आएगा, ठीक है? एंड यहाँ तक देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, हैप्पी बर्थडे रोजी दी ऐसे करके कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है? मिलते हैं, लव यू गाइस, लव यू।